एक सर्टिफिकेट कोर्स हमने अप्रूव किया है, इट्स हैप्पीनेस एंड वेलबींग से 4 महीने का, बल्कि 3 महीने का भी इनिशियली ऑफर कर रहे हैं। उसमें हैप्पीनेस को किस तरह से डिफाइन किया जाता है, उसकी जैसे ना आर्ट एंड फिलॉसफी एंड एक्चुअल हैप्पीनेस है क्या, तो उस हवाले से ये बड़ा एकेडमिक भी है, प्रैक्टिकल भी है। अच्छा हाँ, और यानी एक खुशी का तस्वुर भी हमारा शायद यही है कि हम हर वक्त हंसते रहें और खुश रहें, तो शायद यही खुशी है, तो ऐसा नहीं है। इट इज़ एन इंट्रिकेट सब्जेक्ट। तो उस हवाले से डॉक्टर उस्मान साहब हैं जिन्होंने ये हमारे साथ मिलके तैयार किया है यूएचएस। अच्छा। से और ये बड़ा एक्सटेंसिवली हमने इसको प्रिपेयर किया है और मेरा ख्याल है ये पहला इस तरह का कोर्स है। और उसमें मैंने देखा है उम्र की भी कोई कैद आपने नहीं, उसमें इसीलिए है कि वो ना उम्र की कैद है ना सिर्फ बैचलर्स, हमने इसलिए रखा है कि क्योंकि ये एक एकेडमिकली भी हम उस पर बात कर रहे हैं, उसको समझना है, तो कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग जो है ना वो उसकी सब्जेक्ट हो सके। तो अदरवाइज ना एज की लिमिट है ना उसमें कोई डिग्री की लिमिट है, तो हूएवर वांट्स टू, लेकिन लगता हमें ये है कि ये शायद ऐसे ही बातें ही होंगी, ऐसा है नहीं, क्योंकि मैं खुद बड़ा क्लोजली अपनी जो हमारी काउंसलर हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट उनके साथ मिलके और डॉक्टर साहब के साथ मिलके और इंटरनेशनल हमारे ऑन बोर्ड हैं जो हैप्पीनेस फाउंडेशन के अमेरिकन नहीं हैं प्रेसिडेंट, सो वो भी हमारे रिसोर्स पर्सन में हैं। तो ये कोशिश है कि इसको अहमियत दी जाए कि ज़हनी तौर पर मुतमईन रहना और खुशियाँ को हासिल करना या उनको जिसे कहते हैं ना आइडेंटिफाई करना, हमारे इर्द गिर्द हैं, हमारे अंदर हैं, लेकिन हम उनको नज़रअंदाज करते हैं, तो उसकी समझ लें एक शऊर जो है ना उस हवाले से बेदार करना। और फिर ये प्रैक्टिकली हमने उसमें साथ ही है कि हर सेशन और उसके बाद उसके वर्कशॉप, तो बड़ा एक्सटेंसिव सा 4 आवर्स मिनिमम 1 सेशन होगा पर वीक। और ये सारे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट वगैरह खुद करा रहे हैं? नॉट ओनली क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, हाँ जी, उसमें वो जो है ना मुख्तलिफ हमारे रिसोर्स पर्सन, फिजिकल जो डॉक्टर क्या फिजिशन आप कहते हैं वो भी हैं, साइकोलॉजी के भी हैं, कुछ फिलॉसफी भी है, और बल्कि मैंने स्पेशली रिक्वेस्ट किया था अली को भी, ही इज़ ऑल्सो गिविंग अ सेशन फॉर देट, क्योंकि आजकल वो बहुत इस पर माइंडफुलनेस पे और बात करता है, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। अच्छा, यानी दोज हु फील अ लिटिल डिप्रेस्ड आल्सो वो भी ज्वाइन करें एंड दे विल जी, कोई भी ज्वाइन करें। और वैसे जनरली देखें, मैं समझती हूँ कि हमारी वो इस वक्त शायद हालात कुछ इस तरह के हो चुके हैं कि हमें अपनी जनरल वेलनेस जो है ना उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है, ये नहीं कि हम बीमार हैं तो फिर ही हमें किसी इसी तरह की हेल्प की ज़रूरत है, को देखने के लिए लोग लेकिन एक कल अभी परसों एक बच्चों के साथ स्टूडेंट्स यंग के साथ मेरा सेमिनार था, और मैंने कहा कि बजाय इसके कि हम आपको बताएं तो आप मुझे बताइए कि हाउ डू यू फील, तो देयर वाज पैनल डिस्कशन तो यंग बच्चियां, तो मुझे काफ़ी थोड़ी हैरत भी हुई कि मेरा यही होता है कि हमें उनसे सुनना चाहिए बजाय ख़ुद सुनाने के कि उनके इश्यूज़ क्या हैं, कि वो काफ़ी उन्होंने कहा जी हमें स्ट्रेस होता है और एंग्जाइटी होती है जो हमारा जिसकी वजह मुख्तलिफ हैं, जिनमें एक बड़ी वजह जो भी उन्होंने आइडेंटिफाई की मटेरियलिज्म है और स्ट्रेस है और ब्ला ब्ला, बट माय पॉइंट इज़ दैट कि इसका मतलब है जो पुरानी एक मिथ बनी है ना कि बचपन में या नौजवानी में तो कोई गम फिक्र नहीं है, फिक्र तो बड़ों के लिए है, ऐसा नहीं है। अब वो जो एंग्जाइटी और स्ट्रेस और डिप्रेशन है वो हर एज में है, एक बात। दूसरी बात ये है कि ज़हनी सेहत के भी मुख्तलिफ दर्जे हैं या मुख्तलिफ पहलू हैं, तो हमारे यहाँ या तो उसको बिल्कुल ही बना दिया जाता है कि जब तक कोई शख्स बिल्कुल रहने के हमारे साथ काबिल नहीं है, जिसको हम कह दें कि जी पागल ही हो गए तो उसके सिर्फ पागल खाना, तो उससे पीछे नॉर्मल हम और आप कई ऐसी सिचुएशन में जैसे आपको कभी ब्लड प्रेशर हो गया, किसी को शुगर, कोई फिज़िकल बुखार हो गया, तो इस तरह की टाइमली भी कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं इमोशनल जिसे आप कह लें या जज्बाती तनाव में हम या कश्मकश में आ जाते हैं, जिसके लिए हमें किसी वो क्या कहते हैं सहारे की तो नहीं लेकिन किसी काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, कैथारसिस की ज़रूरत होती है।
तो हमारी सोसाइटी में ये एक बड़ी अच्छी बात रही है और अभी भी है कि हमारा जो फैमिली सिस्टम है, हम यूजली अपनी काउंसलिंग और कैथारसिस दोस्तों के साथ, माओं के साथ, बहनों के साथ मिलकर कर लेते हैं। लेकिन अभी मैं आते हुए भी यही सोच रही थी कि वो कैथारसिस होता है, उसमें सोल्यूशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बिकॉज हम वो प्रोफेशनल नहीं है। कई दफ़ा वो सिचुएशन को बिगाड़ भी सकते हैं, आपको ऐसे मशवरे दे सकते हैं जिन पर अमल करके काफ़ी सूरत हाल आपकी और ख़राब हो सकती है। तो इसलिए ये शऊर होना चाहिए और इसके ऊपर किसी किस्म की हिचकिचाहट भी नहीं माने होनी चाहिए कि हमें एक प्रोफेशनल हेल्प, किसी भी जज्बाती ऐसी कैफियत जो मुसलसल आपकी कारकर्दगी को, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को डिस्टर्ब कर रही है, तो उसके लिए हम एक प्रोफेशनल हेल्प ले लें। तो वो काउंसलिंग का जो हमारा वेलनेस सेंटर भी है, इसलिए वो सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, स्टूडेंट्स के लिए हमारे पास अलग से काउंसलिंग के हैं, और वेलनेस सेंटर जो है वो पब्लिक के लिए है 4 to 8। और उसमें हमने, इसमें एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, मुझे जो जब मैंने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी शुरू की, तो काफ़ी नॉन प्रोफेशनल कह लें या क्वैक्स कह लें, कुछ इस तरह के, इस वक्त चूँकि अब ज़रा एक ख़ास क्लास में रुझान बढ़ भी रहा है इस तरह की हेल्प लेने का, काउंसलिंग का या थेरेपिस्ट का, तो वो भी मौजूद हैं जो फर्दर फिर सूरत हाल जो है ना उसमें ठीक करने की बजाय पैसा बनाने वाला जो काम है ना मार्केट। तो मैंने उसमें भी हमने देखे, हमारी टीम ने तो आइडेंटिफाई करके सर्टिफाइड अच्छे जो फील्ड में बेस्ट प्रोफेशनल्स हैं उसमें काउंसलिंग के लिए भी थेरेपिस्ट भी हैं, क्लिनिकल काउंसलिंग भी, फिर हमारे पास स्पेशल बच्चों का एक है सेक्शन, वो भी है नर्सरी। अच्छा। जिसमें बच्चों की वो स्पीच थेरेपी या उनके ऑटिज़म के जो इश्यूज हैं, स्कूल भी है और स्टाफ भी है जो उनको देखता है, लेकिन इसकी बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन दिस शो, मुझे खुद भी नहीं पता और था कि स्कूल भी इसके अंदर आने तो होता है। इसीलिए मैंने फिर कहा कि हम में ये जो है ना, दिस इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी के लोगों को पता चले कि हम सिर्फ एक सोसाइटी के साथ भी मैं कनेक्टेड इदारे को लेकर चलना चाहिए कि जो कुछ उसमें कर सकते हैं तो कंट्रीब्यूट किया जाए। हाँ, बिकॉज मुझे नहीं पता था कि एक स्कूल भी स्पेशल बच्चों का, बिकॉज होते ही नहीं है, लोगों को मिलते ही नहीं है, प्राइवेट होते हैं तो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं।